देखो तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से रहता है एटम्स के अंदर, वो हम लोग सीखने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ सेल इज गवर्न्ड बाय द स्कीम नोन एज बोर-बरी स्कीम। ये बोर-बरी स्कीम के अनुसार जो होता है ना अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का। ऐसे तो हम लोग जानते हैं क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, उसके बाद पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, दो ठो ना, फिर दूसरा सेल में कितना, आठ गो, 2n² फॉर्मूला बताए थे ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद तीसरा में 18 गो हो जाएगा, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो दे रखा है द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो ए अरेंजमेंट है इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम देते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज अराउंड अ न्यूक्लियस इन डिफरेंट एनर्जी लेवल और एनर्जी सेल। अलग अलग एनर्जी लेवल है, पहला एनर्जी लेवल, दूसरा, तीसरा एनर्जी लेवल, इसी को सेल भी बोलते हैं, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। और सेल के अंदर सब सेल होता है जिसके बारे में इस बुक में नहीं बताया है, लेकिन हम सब सेल के बारे में बता देंगे तुम लोग को। द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द सेल विथ द लोएस्ट एनर्जी, जो सबसे इधर यहाँ का एनर्जी सबसे कम होता है, लोएस्ट एनर्जी वाला सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फील होगा। जब लोएस्ट पूरा भर जाएगा तो फिर वो ऊपर वाला भरना शुरू होगा, ऐसे करके वो जाता है द फर्स्ट। अब यहाँ पर वही चीज बताया कि पहला जो के बोलते हैं ना, द फर्स्ट और द इनर मोस्ट एनर्जी सेल जिसको के बोलते हैं कंटेक ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें सिर्फ 2 रहेगा। सेकेंड सेल मतलब कि एल का वैल्यू अगर हम लोग 2 लेंगे ना, के बाद दूसरा क्या आएगा, एल आएगा। एल मतलब कि एन बराबर 2 का बात हो रहा है। दूसरा सेल में टोटल नंबर 8, तीसरा सेल में 18, 2n² करके फार्मूला से चलता है। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन अरेंज होता है, के एल एम एन, इस तरह से 4 को सेल का नाम दिया है और 4 सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है। द आउटर मोस्ट सेल यहाँ पर लिख ही दिया गया, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन एंड द सेल नेक्स्ट टू द आउटर मोस्ट सेल कैन नॉट हैव मोर देन 18। ये बोल रहा है कि 8 और 18 हो सकता है एक सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चौथा वाला में कितना जाएगा, ऐसे तो 32 जा रहा है ना, थर्ड वाला में 18 जाएगा। ये बोल रहा है कि सेकंड वाला में 8 जाएगा, 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है, थर्ड वाला में 18 से ज्यादा नहीं हो सकता है, इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा, चौथा वाला में 32 से ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद है वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम इज कॉल्ड वैलेंस सेल, सबसे बाहर वाला जो सेल ऑर्बिट है उसको क्या बोलेंगे, वैलेंस सेल बोलेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। कोवैलेंस से क्या होता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवेलेंट कंपाउंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय वन एटम क्या कहलाता है, कोवेलेंसी। मतलब जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ना, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम शेयर कर रहा है वो, उसका क्या हो जाएगा, कोवेलेंसी हो जाएगा। ठीक है, इफ एन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन इट्स कोवेलेंसी विल बी 1। जैसे शेयर वाला कैसे होता है, जैसे मान लो कि CH4 का हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो CH4 कैसे बनता है, एक तो कार्बन रहेगा, कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 ठो, आउटर मोस्ट सेल में है ना, कार्बन का 6 होता है, तो पहला में 2, दूसरा में कितना, 4 होगा ना। और हाइड्रोजन के पास एक, ये देखो एल चाहता है ना कि मतलब ऑक्टेट पूरा हो जाए, स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर सबके पास एक एक हाइड्रोजन दे दो ना, तो ये लोग क्या किया है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया है। ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो दोनों शेयर करके, और उसे बेनिफिट क्या हुआ, इस हाइड्रोजन का डबलेट पूरा हो गया। स्टेबल होने के लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो हर हाइड्रोजन के पास कितना पूरा हो गया, 2-2। और कार्बन के पास कितना हो गया, कार्बन भी शेयर किया है ना, कार्बन के पास हो गया टोटल 8। ठीक है, यहाँ पर कोवैलेंसी समझ में आया ना, तो कोवैलेंसी यहाँ पर कितना हो गया, एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है ना, तो 1 हो गया इसका कोवैलेंसी। इस तरह से शेयर होता है। बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप, कोवैलेंट और इलेक्ट्रोवैलेंट, आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बोलते हैं दूसरा को। इलेक्ट्रोवैलेंट का एग्जांपल क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल की बात करें ना, तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्या करेगा ना कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इसको दे देगा, एकदम बिल्कुल ट्रांसफर कर देगा। जैसे ए हो रहा था 2, 8, 1, 2, 8, 7,
इसको क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ से कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा इसको, तो ये हो गया 8 को, ये बन गया Cl माइनस, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया ना, और सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन दिया है, सोडियम बन गया Na प्लस। अब एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज दोनों के बीच अट्रैक्शन होना शुरू हो गया और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया जिसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो एक आयनिक बॉन्ड होता है, दूसरा कोवेलेंट, NaCl आयनिक का एग्जाम्पल हो गया और CH4 किसका हो गया, कोवेलेंट का। अब उसके बाद है आइसोटोप। आइसोटोप में क्या होता है, आइसोटोप आर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। इसका एटॉमिक नंबर सेम होगा पर एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम इसका एग्जाम्पल लिया है। सारा हाइड्रोजन ही है, एटॉमिक नंबर सबका 1-1 है, प्रोटॉन इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इलेक्ट्रॉन भी 1-1 है ना, बट न्यूट्रॉन सब में अलग अलग है, इसमें न्यूट्रॉन 0 है, इसमें 1 है और इसमें 2 है। मतलब कि आइसोटोप तब बोलेंगे ना जब एटम का एटॉमिक नंबर सेम रहेगा पर एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, है ना। इसका एटॉमिक मास 1, इसका एटॉमिक मास 2 और इसका एटॉमिक मास 3। क्लियर हुआ, आइसोटोप क्या हो गया, हाइड्रोजन हम लोग लिख लेंगे, सबका एटॉमिक नंबर 1-1 है पर एटॉमिक मास इसका कितना है, 1 है ना, 1, 2, 3। नाम क्या है इसका, नाम हम इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं और इसको ट्रिटियम बोलते हैं। ये तीनों के तीनों क्या है, आइसोटोप है। कार्बन का भी होता है, एटॉमिक नंबर 12 होगा पर मास दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होगा। यहाँ पर दे रखा है प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम का मास नंबर सबका अलग अलग है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू आइसोटोप। आइसोटोप के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, आइसोटोप आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, सेम ही एलिमेंट के एटम होते हैं। मतलब जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर था, सारा का सारा हाइड्रोजन ही था, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सबका सेम था लेकिन मास क्या था, डिफरेंट डिफरेंट था। आइसोटोप हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन सब में क्या था, सेम था, एक एक प्रोटॉन था सब में, लेकिन न्यूट्रॉन सबका डिफरेंट डिफरेंट था, इसकी वजह से मास अलग अलग हो गया। आइसोटोप हैव सेम इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन देयर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई पर सब पर चार्ज +1 +1 ही है क्योंकि सब में एक एक प्रोटॉन है। सिंस ऑल द आइसोटोप कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम है ना, तो सेम ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा कहीं दूसरा कहीं और से, तो केमिकल प्रॉपर्टी सबका सेम हो जाएगा। अब आइसोटोप का भी दो टाइप है, एक तो अस्टेबल और दूसरा अनस्टेबल। उसके बाद रेडियो एक्टिव आइसोटोप, एक क्या होगा, अनस्टेबल होगा, आइसोटोप विच आर अनस्टेबल है ना, एंड इमिट वेरियस टाइप ऑफ रेडिएशन, इससे बहुत सारा रेडिएशन बाहर निकलते रहता है। सम ऑफ द कॉमन रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर कार्बन 14 है ना, ऐसे कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है नॉर्मल वाला कार्बन का, लेकिन इसका 14 है, आर्सेनिक हो गया, सोडियम हो गया, आयोडीन हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारा कुछ एलिमेंट दिया हुआ है जो कि बिल्कुल रिएक्टिव है, मतलब रेडियो एक्टिव है, इसमें से रेडिएशन हमेशा निकलते रहता है। एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इनका एप्लीकेशन कहाँ पर होता है, तो इनका एप्लीकेशन मेडिसिन में, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री, ये सारा जगह पर इसका यूज हो जाएगा आइसोटोप का। एक आइसोटोप तो हम लोग बिजली बनाने के लिए यूज करते हैं ना, कौन सा, यूरेनियम 235 ना, यूरेनियम 235 बिजली बनाने के लिए यूज होता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, वही चीज लिखा हुआ है, न्यूक्लियर रिएक्टर में जहाँ से हीट निकलता है और बिजली बनता है पावर प्लांट में। यूरेनियम 235 आइसोटोप इज यूज्ड एज फ्यूल इन द रिएक्टर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज्ड एज ट्रेसर्स इन मेडिसिन टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर के जानकारी के लिए इसका यूज होता है, साथ में ब्लड क्लॉट को जानने के लिए भी इसका यूज हो जाता है। उसका एग्जांपल कौन सा है, आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74 का यूज किस चीज में होगा, ट्यूमर में, ट्यूमर पता करने के लिए और ब्लड क्लॉटिंग्स को पता करने के लिए। उसके बाद आयोडीन 131 इसका कहाँ यूज होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज टू डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड व्हिच हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज लाइक गाइटर, गाइटर कुछ घेंघा रोग होता है ना, उसके जानकारी के लिए हम लोग आयोडीन 131 यूज करते हैं। कोबाल्ट 60 कहाँ यूज होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट 60 यूज करते हैं। इसके अलावा और कहाँ पर यूज होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज इन इंडस्ट्री टू डिटेक्ट द लीकेज इन अंडरग्राउंड ऑयल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन या फिर ऑयल पाइपलाइन है वहां पर अगर कोई लीकेज है तो उसको पता करने में भी इसका यूज हो जाता है। उसके बाद सेकेंड है आइसोबार, इसमें क्या होगा, मास सेम रहेगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा,
मतलब एक डिफरेंट डिफरेंट एटम होने वाला है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट का एटम रहेगा पर मास उन लोग का मैच कर जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखो, कैल्शियम आर्गन का लिया है और कैल्शियम का लिया है, मास नंबर इसका भी 40, इसका भी 40, बट एटॉमिक नंबर इसका 18 और इसका एटॉमिक नंबर 20, तो ये आइसोबार का एग्जांपल हो गया। उसके अलावा और क्या लिया है, बस उसके बाद आइसोटोन है। आइसोटोन में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इसमें सेम होगा दोनों एलिमेंट का, बट डिफरेंट मास नंबर, बट मास क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। द आइसोटोन बिलोंग टू टू और मोर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तीनों एक दूसरे से उल्टा है, एक में क्या सेम हो रहा है, एक में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो रहा था पहला वाला में ना, आइसोटोप में, आइसोबार में क्या सेम हुआ, आइसोबार में मास सेम हुआ, एटॉमिक मास सेम हुआ ना सेकंड वाला में आइसोबार, और आइसोट्योन में न्यूट्रॉन सेम हुआ, दोनों न्यूट्रॉन मैच कर रहा है, इसमें न्यूट्रॉन सबका सेम हो जा रहा है। तीनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि इसमें क्या सेम होता है, उसको थोड़ा सा तुम लोग को ध्यान रखना है, कुछ टिक लगा करके उसको याद करो आइसोटोप और आइसोबार को। खत्म हो गया ना, कहाँ पर है ट्रूफर्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ये वाला हम देखो तो सब एटॉमिक पार्टिकल नॉट प्रेजेंट इन ए हाइड्रोजन एटम इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो सब में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। ना प्रोटॉन तो सब में होगा ही, तभी तो उसका मास है, प्रोटॉन नहीं रहेगा तो मास ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो चार्ज ही नहीं होगा उस पर, फिर वो रिएक्शन कैसे करेगा किसी के साथ। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों सब में होता ही होता है, एक न्यूट्रॉन है जो हाइड्रोजन एक मात्र एक्सेप्शन है जहां पर न्यूट्रॉन नहीं होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन को ही बोलते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिला करके एटॉमिक मास हो जाएगा, दोनों एक साथ एटॉमिक मास कहलाएगा। एन एटम हैज एटॉमिक मास 23, एटॉमिक नंबर 11, वही वाला है ना, 12 हो जाएगा इसका आंसर ना। इसमें क्या है, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन, तो मास कितना होगा, 23। क्या क्या जोड़ेंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में मास होता है, इलेक्ट्रॉन वाला तो जोड़ते नहीं है, तो सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जोड़ करके हम लोग को मास मिल जाएगा। ट्रू फॉल्स में दे रखा है, इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ऑल मैटर एंड कैरी निगेटिव चार्ज, ट्रू है। सोडियम प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, सोडियम प्लस लिखा है, सोडियम प्लस में क्या ज्यादा होगा, प्रोटॉन ज्यादा होगा ना, प्रोटॉन ज्यादा होगा इसीलिए प्लस चार्ज है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर न्यूट्रॉन नहीं होता है, प्रोटॉन होता है। आइसोटोप क्या था, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आइसोटोप में क्या था, प्रोटॉन सेम था, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम था, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हुआ मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम होने वाला है। एक हाइड्रोजन छोड़ के सब में नहीं, लेकिन सब में नहीं होते हैं। एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट 27 इज फ्लोरीन, फ्लोरीन का 27 होता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 9 को हम लोग 2 और 7 लिखते हैं, सही है। मैटर इज इलेक्ट्रिकल एंड नेगेटिव इन नेचर, नेगेटिव नहीं, न्यूट्रल होता है नेचर में ना, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1840 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का, नहीं नहीं सही लिखा है वो, लेकिन वो जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू गलत है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है छोटा, मास ऑफ प्रोटॉन इज अबाउट इतना टाइम दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे होगा इलेक्ट्रॉन का 1840 गुना प्रोटॉन होता है भारी, इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना प्रोटॉन भारी होता है। न्यूट्रिएंट्स वर डिस्कवर्ड बाय हैरी बेंक्वेर, इतना कम से कम ऐसा देता जो कंफ्यूज करे, ऐसा नाम दे रही है कि मतलब कुछ होगा ही नहीं, फॉल्स है तो नाम ही नहीं बताया तो फॉल्स। ठीक है, खत्म हो गया तुम लोग का, अब तुम लोग का टेस्ट करेंगे लाइव टेस्ट।